الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें हम स्टैक के कंसेप्ट देखेंगे इन असेंबली लैंग्वेज, कि हम अपनी वैल्यू स्टैक में कैसे रखवा सकते हैं इन असेंबली लैंग्वेज। ओके, रियल एग्जांपल में तो हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको बताया, हमने स्टैक भी देखा, हमने क्यूज भी देखे, ट्रीज भी देखे, वो सारा कुछ देखा, लेकिन अब हम रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर के अंदर मीन असेंबली लैंग्वेज के अंदर डायरेक्टली बातचीत करके जो हम अपनी वैल्यूज रखवाएंगे वो क्या था, वो हाई लेवल सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज थी, लेकिन ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम डायरेक्टली 0-1 के साथ अपनी वैल्यू को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमने कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में भी देखा था और यहाँ पर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो स्टैक तो आपको ये पता है कि स्टैक किस असूल पर काम करता है। स्टैक इस असूल पर काम करता है कि इसमें जो वैल्यू आती है ना, ये उसे मीन जो वैल्यू फर्स्ट नंबर पे आती है ये उसे सबसे लास्ट पे आउट करता है, और जो सबसे लास्ट पे इन होती है इसे ये उसे सबसे फर्स्ट पे आउट करता है। तो जैसे मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब स्टैक समझाया था, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी प्लेट्स की, कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल 5 प्लेट्स हों तो आप उन प्लेट्स को कैसे रखते हो। आप उन प्लेट्स को फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से रखते हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेट को आपने रखा है इस तरह से, देन सेकेंड प्लेट उसके ऊपर आप रखोगे, देन थर्ड प्लेट उसके ऊपर आएगी, देन फोर्थ वाली और देन फिफ्थ वाली। ओके, लेकिन जब आप इसे गेट करोगे, हासिल करोगे, प्लेट को उठाओगे, तो क्या सबसे नीचे वाली उठाओगे? नहीं, अगर नीचे वाली उठाओगे तो सारी प्लेट्स नीचे गिर जाएंगी। आप सबसे पहले ये ऊपर वाली प्लेट उठाओगे, देन उसके बाद ये वाली। लेकिन तो इसका मतलब है आपने जो प्लेट आपने सबसे लास्ट पर रखी थी वो आपने सबसे पहले गेट की है। तो यही असूल होता है स्टैक का, स्टैक भी इसी असूल पर काम करता है। फॉर और एक चीज़ आपको बताऊँ, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर में देखा तब हमने इसकी बैक एंड पे जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो नहीं था देखा, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे हमें इसे स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे और बैक एंड पे हमें नहीं पता कि वो कैसे उसे मैनेज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ से कंसर्न है क्योंकि ये है असेंबली लैंग्वेज, इसमें हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कितने ब्लॉक छोड़ के हमें अपनी वैल्यू रखवानी होती है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो आप स्टैक होता है, इस स्टैक का आपको बकायदा व्यू करवाऊँगा अभी मैं, ठीक है। और उस स्टैक के अंदर ईच जो ब्लॉक होता है, ये मीन एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के अंदर जो डिफरेंस होता है ना एड्रेस का, वो 2 डिजिट का होता है। ओके, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो स्टैक है ना वो हमेशा उसके एक ब्लॉक के दूसरे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का जो फासला है वो 2 डिजिट का होता है, ठीक है। और ये जो जब आप कोई भी वैल्यू स्टैक के अंदर पुट करते हो तो वो वैल्यू किस ब्लॉक में जाके सेव हुई है, उस ब्लॉक का एड्रेस किसके पास होता है, एसपी के पास, मीन स्टैक पॉइंटर के पास। आपको पता है हमारे पास रजिस्टर होते हैं, तो मैंने आपको असेंबली के शुरू वाले लेक्चर के अंदर ही तमाम रजिस्टर कवर अप करवाए थे। उनके अंदर हमने एक रजिस्टर का नाम पढ़ा था, एसपी, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। वो एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या करता है, जब हम कोई वैल्यू स्टैक में पुट करते हैं तो वो वैल्यू किस जगह, करंट वैल्यू किस ब्लॉक में जाके सेव हुई है, उस ब्लॉक का एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर के पास, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें व्यू करवाऊंगा कि क्या वाकई जो मैंने बात कही है कि स्टैक पॉइंटर के पास एड्रेस होता है, स्टैक के अंदर 2 डिजिट का फर्क होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पर बता दूँ कि ये वैल्यू जाएगी कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट वैल्यू दी 10, तो ये 10 फॉर एग्जाम्पल सेव कहाँ होगी, सबसे पहले ये फॉर एग्जाम्पल सेव हो जाती है जी यहाँ पे 10 एड्रेस पे। ओके, देन आप दूसरी वैल्यू देते हो 20, ये 20 कहाँ सेव होगी, ये एड्रेस नंबर 8 पे, क्यों, क्योंकि ईच मैंने आपको बताया ईच ब्लॉक के अंदर कितना एड्रेस का फर्क होता है, 2 डिजिट का फर्क होता है एड्रेस में। ओके, तो ये अगर एड्रेस इस ब्लॉक का एड्रेस 10 है तो इस ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 डिजिट का फर्क पे, ठीक है। देन ये 20 जो है ये यहाँ पे सेव होगा। ओके, तो जैसे ही आपकी वैल्यू सेव होती है तो आपका पॉइंटर ऊपर की तरफ मूव करता है, ओके, हमारे कंसेप्ट के अंदर। लेकिन रियलिटी में जब असेंबली में आप सेव करवाएंगे आपकी वैल्यू प्रैक्टिकली, तब वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन अभी हम चूंकि कंसेप्ट ले रहे हैं तो अभी आप ऐसे समझे कि ये ऊपर ऊपर मूव करता जाएगा। देन 20, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप एक और वैल्यू देते हो 30, तो वो 30 कहाँ सेव हो जाएगी, वो 30 इस ब्लॉक में 6 वाले ब्लॉक जिसका एड्रेस 6 है उस ब्लॉक में आके सेव हो गई, ठीक है। तो आपका पॉइंटर, आपका अब एसपी किसको पॉइंटर कर रहा है, इस मीन जिस करंट वैल्यू को अभी अभी आप रिसेंटली सेव करते हो ना उसका उस ब्लॉक का एड्रेस एसपी के पास सेव होता है। ओके, देन जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने एक और वैल्यू दी 40, तो वो 40 कहाँ सेव हो जाएगा, इस ब्लॉक में आके, ठीक है। तो जैसे ही 40 सेव हुआ अब साथ ही एसपी के पास इस ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि अब आपकी करंट वैल्यू कौन सी है, ये 40, 30 नहीं है, क्योंकि 30 अब सेकेंड लास्ट वैल्यू थी, जो सबसे
करंट वैल्यू होती है, सबसे लेटेस्ट वैल्यू होती है, उसके ब्लॉक का सिर्फ एड्रेस एसपी अपने पास होल्ड करता है। ओके, अब जैसे ही आप वैल्यू स्टैक से बाहर निकालते हो, मीन पॉप करते हो, तो क्या होता है, पुश का मतलब होता है वैल्यू धकेलना स्टैक के अंदर, और पॉप का मतलब होता है वैल्यू स्टैक से बाहर निकालना। तो जैसे ही आप पॉप करते हो ना स्टैक से वैल्यू, तो होता ये है बेसिकली कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस वैल्यू पॉप करने से, अब देखें मैंने तो कह दिया पॉप कर दो वैल्यू, अब स्टैक को कौन बताएगा कि जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी थी, वो बताता है हमारा एसपी पॉइंटर, क्योंकि एसपी पॉइंटर के पास आपको मैंने अभी भी बताया कि इसका एड्रेस होता है सबसे लेटेस्ट वैल्यू के ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो यही असल में बैकएंड पे विंडो को बताता है, विंडो जाके हमारी जो बसेज होती हैं, मीन विंडो अपडेट होती है ना, तो ये जाके पूछती है कि भाई बताओ कि स्टैक में जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू थी उसके ब्लॉक का एड्रेस किसके कौन सा है, तो वो किसके पास होता है, वो स्टैक पॉइंटर के पास होता है। तो वो बताता है, वो जैसे जो भी एड्रेस बताता है उस एड्रेस पे आके हम वो वैल्यू उठाते हैं और वो वैल्यू स्टैक से बाहर निकालते हैं, और साथ दो डिजिट का एड्रेस में फ़र्क डाल देते हैं, मीन माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस करेंगे तो क्या होगा भला, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। मीन नीचे से मुराद कि स्टैक में क्या होता है, स्टैक में एड्रेस जो होता है ना, आपको पता है जो ऊपर की तरफ वैल्यू जाएगी उसका एड्रेस ज़्यादा होगा, जो प्रीवियस वैल्यू होंगी उनका एड्रेस दो डिजिट का कम कम होता जाएगा। ओके, तो यही होता है जब आप वैल्यू पॉप करते हो, तो जैसी वैल्यू पॉप होती है तो एड्रेस में दो डिजिट का डिक्रीमेंट हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो साथ ही प्रीवियस ब्लॉक में वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने एग्जांपल ली हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस जो है ना ज़्यादा लिखे हुए हैं प्रीवियस ब्लॉक के ऊपर, लेकिन असल में रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ये होता है कि आपके जैसे जैसे प्रीवियस ब्लॉक आते हैं आपका एड्रेस कम होता जाता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाता है वैसे वैसे इसका एड्रेस बढ़ता जाता है। तो अब हम इसको जाके देखते हैं कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से करवाऊंगा। मैं यहाँ पे ना फोर वैल्यूज लूंगा, जो हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर है, ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स और डी एक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ आर जी 100H, ये कमांड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा मूव ए एक्स कॉमा 10, कि अकोमोलेटर रजिस्टर में मैंने 10 सेव करवा दिया। देन मैंने कहा मूव बी एक्स कॉमा 20, तो इससे क्या होगा, जो मेरा बेस रजिस्टर है उसमें 20 वैल्यू सेव हो गई है। देन मैंने कहा मूव सी एक्स कॉमा 30, ओके, तो काउंटर रजिस्टर में 30 सेव हो गया। देन मैंने कहा मूव डी एक्स, जो डाटा रजिस्टर है उसमें 40 सेव करवा दो। ये मैंने क्या किया, मैंने फोर जो मेरे जनरल पर्पज रजिस्टर थे ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, उसमें वैल्यूज पुट करवा दी हैं। पुट करवाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो मैंने चार वैल्यूज दी हैं ना अकोमोडेटर रजिस्टर के अंदर, मीन जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर, ये वैल्यूज मैं स्टैक में सेव करवाना चाहता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज आपको पता, स्टैक में वैल्यू भिजवाने के लिए हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ना असेंबली के अंदर कीवर्ड होता है पुश का, अगर आपने स्टैक में वैल्यू भिजवानी हो तो हम पुश का कीवर्ड यूज करते हैं, अगर हमने स्टैक से वैल्यू वापस मंगवानी हो तो हम पॉप करते हैं। ओके, तो मैंने कहा पुश, अब पुश कौन सी वैल्यू करनी है, और एक और चीज़ आपको बताऊं, जब आप असेंबली में ये लिखते हो ना पुश या पॉप, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू कहाँ पुश हो या कहाँ से पॉप हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको, वो खुद इतना समझदार है, उसे पता है कि ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पुश लिखने से स्टैक में ही जाएगी और पॉप लिखने से स्टैक से ही आएगी। ओके, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अब इतना बताना कि कौन सी वैल्यू आप पुश करना चाहते हो। तो मैं कौन सी वैल्यू पुश करना चाहता हूँ, ए एक्स की वैल्यू, सिंपल आपने सिर्फ इतना लिखना होता है, आपने पुश के आगे सिर्फ वो वैल्यू बतानी होती है जो आपने भिजवानी है स्टैक के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ए एक्स, ए एक्स मीन कि ये क्या करेगा, ये ए एक्स के पास जाएगा और ए एक्स में जो वैल्यू है वो उठा के स्टैक में पुश कर देगा। ओके, देन मैंने कहा दोबारा पुश बी एक्स, अब ये क्या करेगा, ये बी एक्स में जो वैल्यू होगी उसे उठाएगा और जाके स्टैक में पुश कर देगा। लेकिन कैसे कैसे ये पुश होगा, ये देखें, सबसे पहले ये वैल्यू जाएगी बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको समझाया, सबसे पहली वैल्यू जो है ना यहाँ पे 10 आगे सेव हुआ, 10 जैसे ही सेव हुआ देन उसके बाद क्या होगा, देन ये नेक्स्ट दूसरी वैल्यू नेक्स्ट ब्लॉक में सेव होगी, देन तीसरी वैल्यू उससे अगले ब्लॉक में, चौथी वैल्यू उससे अगले ब्लॉक में, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब देखें, देन बी एक्स की वैल्यू अगले ब्लॉक में सेव होगी, देन मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा पुश सी एक्स, अब क्या होगा, सी एक्स की वैल्यू जो है वो तीसरे ब्लॉक में जाके सेव हो जाएगी। देन मैंने कहा पुश डी एक्स, के डी एक्स की वैल्यू उठाओ और जाके वो भी स्टैक में पुश कर दो। अब मैंने चार वैल्यूज स्टैक में भिजवा दी हैं, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखाने के लिए कि क्या वाकई जो मैंने वैल्यू पुश की है क्या वाकई वो स्टैक में चली गई हैं। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी इसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, मूव
मैं जो जनरल पर्पज में रजिस्टर थे इन सबको मैं 0-0 कर दूंगा, ताकि आपको कुछ शक ना रहे कि भाई वैल्यूज बाकी स्टैक में गई हैं कि नहीं गई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मूव ए एक्स कॉमा 0, कि मैंने तमाम जनरल पर्पज रजिस्टर को 0-0 कर दूंगा। तो मूव बी एक्स कॉमा 0, आपको पता है मूव की कमांड करती है, मूव की कमांड ये करती है कि जो वैल्यू आप नई भिजवाते हैं तो ये प्रीवियस वैल्यू के ऊपर ये नई वैल्यू ओवर राइट हो जाती है, मीन प्रीवियस वैल्यू खत्म, नई वैल्यू सेव हो जाती है। तो यही चीज, मूव सी एक्स कॉमा 0, ओके, देन मूव डी एक्स कॉमा 0, ओके, ये कर दिया। अब होगा क्या, ये चारों के चारों आपको आपके जनरल पर्पज रजिस्टर में क्या सेव हो गया, 0-0 सेव हो गया। लेकिन क्या जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी 10, 20, 30 और 40, वो कहाँ गई, वो तो इसका मतलब वो गायब हो गई, नहीं वो गायब नहीं हुई, वो असल में कहाँ चली गई हैं, वो स्टैक में जाके सेव हो चुकी हैं। तो उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जस्ट क्या करोगे, आप पॉप करते जाओगे आप, ठीक है। अब आपने अगर वापस वो तमाम वैल्यू जो आ गया आपने स्टैक में भिजवाई हैं, अगर आपको दोबारा से वो गेट करनी है, मीन हासिल करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप वो वैल्यू स्टैक से वापस मंगवाओगे। तो वापस कैसे मंगवाओगे, जैसे आपने भिजवाई थी, ओके। अब देखो, अगर आपको कहना पॉप ए एक्स, तो आपको पता है मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जो वैल्यू सबसे लास्ट पे इन होती है, जो वैल्यू सबसे लास्ट पे स्टैक में इन होती है, वो सबसे फर्स्ट पे आउट होती है। मीन आपने अब फर्स्ट टाइम जब कहा ना पॉप, तो क्या होगा बोला, ये जब सबसे लास्ट पे वैल्यू अंदर गई थी ना 40, ये सबसे पहले बाहर आएगी। तो ये 40 किसका था, ये 40 तो असल में मैंने किसको दिया हुआ था, ये 40 मैंने दिया था डी एक्स रजिस्टर को, लेकिन आप तो वो 40 दे रहे हो किसको, ए एक्स रजिस्टर को। मीन जैसे ये वैल्यू पॉप होगी, तो पॉप कौन सी वैल्यू हो गया, ये पॉप हुई है 40, सबसे लास्ट पे गई थी 40 स्टैक में, तो वो सबसे पहले बाहर आएगी। तो जैसे ही वो सबसे पहले बाहर आएगी, वो आगे कहाँ सेव होगी, तो यही मैंने आपको अभी भी आगे बताया था, जब आप करते हो ना पुश, तो आपको आगे वैल्यू बतानी पड़ती है कि कौन सी वैल्यू आपने पुश करनी है। इसी तरह जब आप करते हो ना पॉप, तो पॉप के आगे वो आपको एड्रेस बताना पड़ता है कि वो जो वैल्यू पॉप होके बाहर आएगी, वो कहाँ आप सेव करवाना चाहते हो। तो मैंने कहा वो जो पॉप होके वैल्यू आएगी, वो ए एक्स में सेव करवा दो, लेकिन ये तो वैल्यू रॉन्ग थी मेरी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो 40 तो डी एक्स की वैल्यू थी, लेकिन मैं अब ए एक्स में सेव करवा रहा हूँ, मैं तो उल्टा काम, तो लिहाजा ये आपने गौर करना है, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि जो वैल्यू जिसकी है थी उसी को वापस भिजवानी है। तो मैंने कहा डी एक्स, क्योंकि मुझे बाई डिफॉल्ट पता है जो मैंने सबसे लास्ट में वैल्यू भिजवाई थी वो डी एक्स की थी, तो मैं सबसे इसलिए मैंने पॉप भी डी एक्स के साथ किया। देन मैंने कहा पॉप, अब मैंने दूसरे नंबर पर किसकी वैल्यू, सॉरी सेकंड लास्ट में किसकी वैल्यू भिजवाई थी, सी एक्स की, तो लिहाजा मैं यहाँ पे पॉप करते हुए सी एक्स लिखूंगा दूसरे नंबर पे। देन पॉप, उसके उससे पहले मैंने किसकी वैल्यू भिजवाई थी थर्ड नंबर पे, बी एक्स की, तो लिहाजा यहाँ पे मैं बी एक्स लिखूंगा, ओके। देन उसके बाद चौथे नंबर पे पॉप ए एक्स, ए एक्स क्यों, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू मैंने सबसे पहले भिजवाई थी और ये सबसे लास्ट पे बाहर आएगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने ए एक्स सबसे लास्ट पे लिखा। तो यही चीज़ आपने, मीन जो आपने ऑर्डर सबसे जो पुश करते हुए जो ऑर्डर आपने लगाया होता है ना, पॉप करते हुए वो ऑर्डर आपने रिवर्स करना होता है, ओके, फिर ही आपकी वैल्यू सही एग्जैक्ट बाहर मीन सही आती है, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेट, ये हमारा सॉफ्टवेयर टर्मिनेट कर दिएगा, ओके। तो ये इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी थी, ओके। अब आपने ज़रा गौर करना है कि क्या वाकई ये जो हमने वैल्यूज़ आपको बताई हैं, क्या वाकई ये आपके पास आती हैं कि नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0-0 भी कर दी है, आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं रन करता हूँ इसे, तो आप ज़रा गौर करना। अब देखो, सबसे पहले आप एक दफ़ा गौर कर लो, ये एक्स में भी देखें 0-0 है, बी एक्स में भी 0-0 है, सी एक्स में भी और डी एक्स में भी, और ये आप गौर करो ज़रा, एस पी, ये जो आपका स्टैक पॉइंटर है, इसमें देखें अभी एफ 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 ई पड़ा हुआ है, मीन ये शो कर रहा है आपके स्टैक के फर्स्ट एड्रेस को, ओके। अब मैं आपको व्यू करवाता हूँ स्टैक कहाँ पर है, ये व्यू पर जाओ और ये देखो, ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन है स्टैक, ये आप क्लिक करो और ये आपका स्टैक आ चुका है। तो ये देखो, ये स्टैक में अब देखो, ये स्टैक के फर्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है वो है एफ 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 ई, ट्रिपल एफ ई। तो ये देखो, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर के पास भी देखें ट्रिपल एफ ई ही है, ओके। अब सिंगल स्टेप करते हैं, ये सिंगल स्टेप किया, ये देखो ए एक्स में आ गया 10, सिंगल स्टेप करता हूँ बी एक्स में 20, सिंगल स्टेप सी एक्स में 30, सिंगल स्टेप डी एक्स में 40, और ये आप अब गौर करना, स्टैक में देखना वैल्यू वन बाई वन सेव होना स्टार्ट होने लगी है, ओके। ये सिंगल स्टेप करता हूँ और ये आपने गौर किया, ये देखो ए एक्स की जो वैल्यू थी 10, वो देखो स्टैक में आज के सेव हो गई है, ये देखो स्टैक के ये एड्रेस नंबर 2 पे ट्रिपल एफ सी के अंदर ये वैल्यू आके सेव हो गई है, और ये देखो ये स्टैक पॉइंटर के पास भी इसका एड्रेस आके सेव हो गया ट्रिपल एफ सी, ओके। देन जैसे मैं सिंगल स्टेप करूंगा तो क्या होगा बोला, स्टैक में ये बी एक्स की वैल्यू जाके सेव हो जाएगी स्टैक के अंदर, और साथ ही ये जो मेरा स्टैक पॉइंटर है इसका एड्रेस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखो
ये पहले मैं आपको स्टैक दिखाता हूँ। देखो स्टैक के थर्ड रो के अंदर ये देखो 14 मीन 20 आगे सेव हो गया। और इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस पहले आप देख लो। इस थर्ड वाली रो का एड्रेस है ट्रिपल एफ कैपिटल ए। तो ये देखो ये स्टैक पॉइंटर में क्या आ गया, ट्रिपल एफ कैपिटल ए। तो इसका मतलब हमारा स्टैक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये अगर आप गौर करो तो ये देखो 10, 20, 30 और 40 ये चारों वैल्यूज आपकी आके सेव हो गई हैं स्टैक के अंदर। और ये ए एक्स बी एक्स और सी एक्स आप 0-0 होने लगे। ये देखो ये ए एक्स 0 हो गया, बी एक्स भी 0 हो गया, सी एक्स भी और डी एक्स भी, ये देखो चार रजिस्टर आपके 0-0 हो गए हैं। लेकिन जैसे ही अब मैं पॉप करना स्टार्ट करने लगा तो क्या होगा भला, ये 1 by 1 सारी वैल्यूज गेट करते करते हम जाके यहाँ पे रजिस्टर में सेव होंगे। अब आप गौर कर लो जरा ध्यान से, देखो क्या अभी आपके ए एक्स और बी एक्स सी एक्स या चारों जनरल पर्पज रजिस्टर में कोई वैल्यू है? नो, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पॉप करूँगा इन सब में वापस वही वैल्यू आएंगी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। सिंगल स्टेप करता हूँ, देखा हूँ 40 dx में आ चुका है। सिंगल स्टेप करता हूँ और ये सी एक्स में भी 30 आ चुका है। और ये देखो ये जैसे मैं वापस पॉप कर रहा हूँ ये वैल्यू मेरी वापस आती जा रही है। ओके, और ये जो मेरा पॉइंटर है ये देखें, ये जो नीला आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये देखो ये वापस जाता जा रहा है जैसे जैसे वैल्यू पॉप हो रही है। ये सिंगल स्टेप करता हूँ और ये देखो ये सेकंड पे चला गया। जैसे ही दोबारा सिंगल स्टेप करूँगा ये फर्स्ट पे वैसे ही अपनी फर्स्ट वैल्यू पे वापस चला गया। तो यही चीज़ होती है। तो ए एक्स में 10, 20, 30 एंड 40। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने स्टैक स्टेप बाय स्टेप देखा। अब आपको लास्ट पे सिर्फ एक बात बतानी है, वो ये कि अब आप सोचोगे कि ये स्टैक का हमें फ़ायदा कि हम स्टैक क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैक का आपको कितना फ़ायदा, तो आप दोबारा ये क्वेश्चन नहीं करोगे। आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल देता हूँ। स्टैक का फ़ायदा आपको ये है कि आपने कभी एमएस वर्ड यूज़ किया, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़े सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूँगा, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो आपने, तो जब आप कोई चीज़ लिख रही होती हो तो लिखने के बाद आपको अचानक से अगर याद आए कि मैंने जो चीज़ लिखी है वो गलत है, आप क्या करते हो, आप रीडू करते हो, मीन कंट्रोल जी करके वापस बैक लगाते हो। ओके, तो वो बैक जैसे ही आप लगाते हो तो आपने जो प्रीवियस सेकेंड लास्ट में जो चीज़ लिखी होती है वो वापस कैसे आती है, कहाँ से आती है, क्या वहाँ पर बैकेंड पर कौन सी ऐसी जादू है जो उसे वापस लेके आता है, उसे कैसे पता ये वैल्यू कौन सी तुमने लिखी थी इससे पहले। ठीक है, वो असल में बैकएंड पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई वैल्यू लिखते जाते हो ना वो आपकी विंडो के करती है उस चीज़ को उठा के स्टैक में पुश करती जाती है, पुश करती जाती है, पुश करती जाती है। लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल जी करते जाते हो ना तो वो उसे पॉप करके वापस लेके आती है। ठीक है, तो ये इसकी सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि ये फ़ायदा स्टैक का। अगर आपके कंप्यूटर में स्टैक ना होता तो आप कभी भी ये कंट्रोल जी ना कर सकते। ओके, तो यही इसका फ़ायदा सबसे बड़ा कि स्टैक हमारे इसी काम आता है कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हम दोबारा उस चीज़ को वापस रीडू या अनडू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।